एक मई को जब हम नॉमिनेशन करने के लिए गए थे, 3000 पुलिस हमको अरेस्ट करने के लिए गए थे। मैं आज फिर से सवाल पूछना चाहूंगा, हम लोग का अपराध क्या है? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि हम लोग का अपराध क्या है, हम लोग का गुनाह क्या है? क्या हम लोग आतंकी है, नक्सली है, अपराधी है, चोर गुंडा मवाली क्या है? हम लोग 3000 पुलिस गए थे हमको अरेस्ट करने के लिए। हम लोग का अपराध क्या है कि आज स्टूडेंट की मांग को लेकर, छात्रों की मांग को लेकर हम लोगों ने विधानसभा के सामने धरना दिया था। अरे भाई, विधानसभा के सामने धरना देना इतना बड़ा अपराध है कि आप पुलिस आए तो आए, क्योंकि हमारा आंदोलन झारखंड सरकार से था। यदि झारखंड सरकार की पुलिस आ सकती है, उनका स्वागत है, वो हमको अरेस्ट कर सकती थी। लेकिन एक सवाल, सीआरपीएफ के जवान बैठे हैं वहाँ, सीआरपीएफ के पुलिस आई थी, सीआरपीएफ क्यों आए थे? एक सवाल हमको दीजिए, हम बहुत कम उम्र का लड़का है। सीआरपीएफ क्यों आई थी वहाँ? यहाँ मीडिया कर्मी है, पढ़े लिखे प्रबुद्ध मीडिया कर्मी है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, शायद इसी भेड़ में बैठे हैं, हालांकि उनको आज मौका नहीं दे पाए। सीआरपीएफ क्यों आई थी झारखंड वासियों बताइए? सीआरपीएफ कब जाती है? सीआरपीएफ सेंट्रल पुलिस होती है, हमारी लड़ाई नियोजन नीति की राज्य सरकार से है। सीआरपीएफ क्यों आई थी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर ये लोग कब तक जालसाजी करेंगे? ये कब तक इस मिट्टी में रक्त मारेंगे? कभी इस मिट्टी में शहीद सुनील महतो की हत्या होती है, इसी मिट्टी में निर्मल दास को शहादत देना पड़ता है, और इसी मिट्टी में शेख भिखारी, इसी मिट्टी में बिरसा भगवान को शहादत देना पड़ता है। आखिर इस राज्य के लोग जब अपने हक अधिकार की बात करते हैं, इस राज्य के लोग खनिज संपदा पे अपने अधिकार की बात करते हैं, तब इस प्रकार साजिश क्यों किया जाता है? ये सवाल पूछना चाहिए। अरे 3000 के पुलिस उठ के, 3000 पुलिस, लगभग 8-10 डीएसपी इंक्लूडिंग एसपी महोदय जो हमें डिटेन करने के लिए आए थे, चलिए स्वागत है आपका, अच्छा किया आप डिटेन करने के लिए, लेकिन जितना अलर्ट और जितना आप उस दिन अलर्ट थे हमको डिटेन करने के लिए, कहां से अगर कोयला चोर, बालू चोर, लकड़ी चोर, लोहा चोर, माफिया के साथ अलर्ट होते तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर हो जाता। आज जनता के साथ साथ सियासत के जवान भी यही है, और ये लोग भी जानते हैं, आज अगर सबसे ज्यादा कोयला कहीं चोरी होता है तो फिर वो विधानसभा में होता है। अरे वहाँ रहिए मुस्तैद, वहाँ मुस्तैद रहिए, समझाने में कब कानून का सम्मान और बढ़ेगा। और हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कानून के नजरों में सबका एक इंसाफ हो, कानून सबके साथ इंसाफ करे, इसीलिए लोग संविधान के रास्ते से चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज कोई हक हुकूक की बात करे, आज कोई अपने अधिकार की बात करे, आज कोई अपने अधिकारों के सुरक्षा की बात करे, तो आप उनको फर्जी केस लगाइए, उनके साथ प्रेशर बनाइए। अगर प्रेशर बनाना है तो इस राज्य के इस राज को छोड़िए, इस जिला के इस कोयलांचल के माफियाओं पर प्रेशर बनाइए, दबंगों पर प्रेशर बनाइए, गुंडों पर प्रेशर बनाइए, ये कोयलांचल के साथ साथ पूरा झारखंड जाएगा। तो सह खातिर तोहनी के कहने, तोहनी आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि तोहनी का आशीर्वाद नहीं रहता है तो आज हम इतना बड़ा बड़ा मुसीबत के ताले नहीं पार करिए। इसलिए आज तोहनी का आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। अब थोड़ा सा हम बात करें लोकसभा चुनाव के विषय में। लोकसभा चुनाव 25 तारीख के वोटिंग होता है, तारीख याद हो ना, 25 तारीख के जिस दिन हमने वोटिंग करवा, ठीक है हम चारों तरफ घूम लेवा, जिस दिन हमने वोटिंग करवा उस दिन ध्यान से देखिया कि आकाश भी ठिपल तातल रहता है और धरतियों ठिपल तातल रहते है, आकाशों ठिपल तातल रहते है, गर्मी गर्म रहता है और धरतियों गर्मी गर्म रहता है, और संगे संगे हमारे दहिया हमारे गतों गर्मी गर्म रहते है, ठिपल तातल रहते कि नहीं? यानी आकाश धरती के साथ साथ मेरा शरीर का बदन भी गर्म रहेगा उस दिन। हम माथे को पसीने से पोंछेंगे, अपने सर को पोंछेंगे, लेकिन फिर भी मतदान करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? जबकि इसी समय हमारी माता हमारे पिता अगर हमें कोई काम करने के लिए कहे तो हम साफ मना कर देंगे कि बाबू शाम को बोलिएगा, शाम को थोड़ा हम काम कर देंगे, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन 25 तारीख को हम लोग
बहुत भारी गर्मी में 45 डिग्री के टेम्परेचर में वोट देने के लिए जाएंगे। क्यों? हमको विश्वास है, हमें आशा है कि जिस नेता को हम लोग वोट देंगे, जब वो चुनाव जीतेगा हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा, हमारे गांव को सुरक्षा प्रदान करेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी की गवारी पढ़ाई कमाई की बात करेगा। इसीलिए हम लोग वोट करते हैं कि जो नेता सुन के जाएगा, जो नेता जीत के जाएगा, वो हमारे बच्चों के दवाई कमाई पढ़ाई की बात करेगा। लेकिन आज देखिए, यही चीज बेरमो विधानसभा और गिडी लोकसभा है। अगर गिडी लोकसभा के सांसद की बात करें, उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिला कि झारखंड के जनमानस के बच्चों की चिंता की जाए। उन्हें क्या फुर्सत मिला कि गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक। अब बात करते हैं बेरमो के विधायक की, मुख्यमंत्री के सालों की। बेरमो से विधायक पिताजी आज उनके दुनिया में नहीं है, उनको नमन करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ है बेरमो के विधायक का, खुद बेरमो से विधायक दादा है या विधायक, और भौजी धनबाद से लोकसभा के प्रत्याशी। भौजी यानी विधायक जी के पत्नी धनबाद से लोकसभा, ई एमएलए वो एमपी के चुनाव लड़ रहा हो, डीओ के गजबे ट्रेजिडी हो, गिरिडीह लोकसभा बेरमो विधानसभा के कहानी गजबे हो, एगो के पति सांसद पत्नी विधायक, एगो के पति विधायक और पत्नी सांसद के प्रत्याशी, मैंने तो हमें घर घुसती सब तो हमें, कोयला भी तोर, बालू भी तोर, लोहा भी तोर, ढेका भी तोर, पत्थर भी तोर, और हमारे पति